आयो रुक, मैंने ये क्या करता है तू? मैं अपने कथक नृत्य की प्रैक्टिस कर रही थी। अयो, तुम चश्मा पहन के कथक नृत्य करेगा? अरे क्यों नहीं, घुंघरू भी पहनूंगी मैं। क्यों, माधुरी दीक्षित ने कैसे किया था ना सिनेमा 100 में कथक नृत्य, मैं भी करूंगी। तुमने कथक सीखा है क्या? लेकिन स्कूल में एक बार आदिवासी नृत्य में भील कन्या का रोल किया था मैंने। अयो कथक, उस दिन से बस मेरा कॉन्फिडेंस बन गया है। और वैसे भी हिंदी पिक्चर के गाने देख करके कोई भी सीख सकता है ना? भी करेगा। अच्छा, हमने मद्रास में चिन्नी प्रकाश पिल्लई से सीखा था। सच? कौन सा आइटम करोगे तुम? नाचे मयूरी का आइटम करेगा। अरे भाभी, अम्मा जी रंग। भाभी क्या हमारे पास इससे भी अच्छा बहुत ब्रिलियंट आइडिया है। अच्छा क्या सुना? वो जैसे फिल्मों में जोड़ी लोग ड्यूएट गाते ना, तो हम लोग का जोड़ी भी ड्यूएट गाएगा। मतलब अभी जैसे वो श्री पर आग लैला मजनू नीतू ऋषि का जोड़ी, वैसे हमारा जोड़ी। मतलब रंगा मालिनी की जोड़ी। मालिनी करके दिखा ना कैसा है। अरे वेरी नाइस नाइस नाइस। हम भी देखेगा। प्रोग्राम के दिन तक ऐसा पोस्टर मेंटेन करने का, ये आर के पोस्टर बहुत अच्छा जी, एक्सीलेंट। प्रकाश प्रकाश देखो ना बेचारी को क्या हो गया, डॉक्टर बुलाओ। ओहो ये सब छोड़ो। अरे मालिनी मालिनी मेरी बात सुनो, मेरे गजब का गाना लिखा हुआ है बिगिनिंग करने के लिए अपने प्रोग्राम का। वो गाना होगा सोसाइटी हमारी तो है एक सपना जो होगा अपना। सोसाइटी सोसाइटी सोसाइटी। नहीं 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 प्रकाश जी, ये बहुत पुराना स्टाइल का गाना जी। आजकल के ट्रेंड का कुछ नया होना मांगता गाना यही रखने का, लेकिन उसका धुन चेंज करके उसमें 125 तक गिनती जोड़ देने का। देखो गाना सुपर डुपर हिट। अरे 125 तक की गिनती का गाना तो आ चुका है यार, कैसी बात करते हो रंगा। और फिर तुम तो जानते हो मैं ओरिजिनल हूँ, है ना? हाँ। आइडिया, तुम सेम गाने को फोक स्टाइल में गाने का जी, और गाने का एंड में वो गाना हिट। नहीं नहीं ऐसा नहीं प्रकाश, याद है हमारी शादी से पहले कैसे तुम इंदिवर के गाने अपने नाम से मुझे भेजा करते थे? ऐसा ही कुछ ओरिजिनल करो ना। अरे यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि भाई ऐसे भी हमारी सोसाइटी का जो प्रोग्राम है वो फिल्म बेस्ड है। मैंने एक गाना लिखा हुआ है जो फॉर्मूला फिल्म पे बेस्ड है, सुनाओ। सुना सुना। हाँ? जल्दी सुनाने का जी। इल्जाम 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 नहीं रंगा, इरशाद इरशाद। बोला ना गाने का की सुनाओ जी। हाँ लेकिन लेकिन सुनो, जब भी मैं गाते गाते रुक जाऊं आप लोग चिल्ला देना फॉर्मूला। ओके, यानी कि हम लोग कोरस। ये मद्रास में तुम मेन सिंगर, इधर कोरस चलेगा। चलेगा जी चलेगा चलेगा। जल्दी सुनाओ जी। 1 2 3 4 फॉर्मूला फॉर्मूला। ओहो ऐसे नहीं, डा 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 फॉर्मूला, डा 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 डी डा 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 फॉर्मूला, डा 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 फॉर्मूला, डा 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 डी डा 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 फॉर्मूला। फिल्म वालों ने लोगों पे किया है अटैक, जुड़वा भाइयों के गले में पहना है लॉकेट। फॉर्मूला फॉर्मूला, करे पूजा सब ऐसे जैसे करे कैमरे, विलनों की राख से भर दे एस्ट्रे। फॉर्मूला फॉर्मूला, शादी के बाद भी यहाँ होते झगड़े, जो बीवी को मनाओ तो माशू का बिगड़े। फॉर्मूला फॉर्मूला, ठाकुरों के बीच होते कैसे झगड़े, दिल जले आशिक बन जाते बेवड़े। फॉर्मूला फॉर्मूला, स्मगलर्स की देखो यहाँ कैसी प्लानिंग, कहीं लॉयन मिले तो कहीं मिले गिफ्ट। फॉर्मूला 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 फॉर्मूला। कैसा लगा मेरा गाना? वेरी गुड सॉन्ग प्रकाश जी। अयो इस गाने को जो फुल्ली अंडरस्टैंड कर सकता ना, वो बहुत अच्छा हिंदी फिल्म बना सकता जी। सच प्रकाश, एक काम क्यों नहीं करते तुम, एक किताब लिख डालो, हाउ टू मेक अ हिंदी फिल्म। हाँ, अरे मैं तो भूल ही गया, अरे मुझे सुरेश भाई को मिलने जाना है अभी। हाँ अयो ये गाना के चक्कर में हम भूल गया जी, हमको सोसाइटी का हॉल में कितना बैनर लगाना, कितना पोस्टर लगाना, झाड़ू भी लगाने का। अयो प्रकाश जी एक सीक्रेट क्या जी, ये हमारा प्रोग्राम एकदम हिट। सच? हमारा टिकट बहुत जल्दी बिकेगा, इतना जल्दी हाउसफुल होएगा जैसे मॉर्निंग शो में एडल्ट फिल्म। अरे वाह वाह, लव दिस।
हेलो, हाँ भाई अमिताभ बच्चन साहब हैं क्या? मैं प्रकाश जायसवाल बोल। हेलो हेलो प्रकाश, अभी किससे बात कर रहे थे तुम? अमिताभ बच्चन से। उन्होंने खुद उठाया? हाँ। उनकी आवाज थी? हाँ। तुम्हें कैसे मालूम? क्योंकि मेरी आवाज सुन के उन्होंने फोन रख दिया। हाँ, तो डेफिनेटली वही होंगे। प्रकाश मुझे पहले से बता देना कौन कौन से फिल्म स्टार्स आ रहे हैं। क्यों? मैं सबके लिए कांदा पोहा बनाऊंगी। वाह, कांदा पोहा। प्रकाश जी, प्रकाश जी, प्रकाश जी, हम अपना शो का सारा टिकट छोड़ के आया जी। क्या शो की सारी टिकट छोड़ा है? अरे चलो ढूंढने चलते, रुक्मनी, अरे गजब हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। भूल के नहीं आया जी, दुकान में छोड़ के आया। दुकान में छोड़ के आया? वो अपना चंदू पान वाला, हरिया दूध वाला और वो बोला दो भी, इन लोग का दुकान में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर खोल के आया जी। ओ, डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों क्यों पर? भाभी क्या जी, ये फिल्म वाला 5-स्टार होटल में, कॉटेज इंडस्ट्रीज में और बड़ा बड़ा जनरल स्टोर में टिकट रखता ना, ग्राहक लोग आता खरीदता, हाउसफुल होता ना, हम वैसा किया। स्मॉल स्केल पे किया जी। प्रकाश जी हम एक और अच्छा काम किया जी। क्या? हमें 50 टिकट बाजू में रख के बहादुर को दिया जी। क्यों? क्या जब हाउसफुल हो जाएगा ना तो वो सोसाइटी का गेट पे खड़ा होकर ब्लैक करेगा जी। अरे वाह रंगा वाह, यार तुम इतने इंटेलिजेंट हो, मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा एक बात बताओ, वो टिकट के रेट्स क्या रखे? हाँ, क्या रेट्स है? बाबी वही जी, वो सिनेमा 100 ना, उसका पैटर्न हम फॉलो किया। क्या क्या? जो सोफा पे स्टेज के सामने बैठ के देखेगा ना, उसके लिए 5,000। और जो थोड़ा पीछे फोल्डिंग चेयर में बैठ के देखेगा उसके लिए 2,000। ठीक है। हाँ। और जो लोग कंपाउंड के अंदर खड़ा होकर देखेगा ना ऐसा ऐसा ऐसा, वो लोग के लिए 500। और जो लोग कंपाउंड वॉल के बाहर खड़ा होकर देखेगा वो लोग के लिए फ्री। हाँ ठीक है, इतना लीनियंट तो होना पड़ेगा। अरे मगर इतने महंगे टिकट खरीदेगा कौन? ओफो, क्या हो गया रुक्मणी तुम्हें? भाई स्टार्स को, एक्टर्स को देखने के लिए लोग अपनी जान तक दे देते हैं, तो 5,000-2,500 क्या चीज है यार? यू आर राइट। एक्चुअली प्रकाश, सुनो, इस साल द बेस्ट ऑर्गेनाइजर ऑफ द सोसाइटी अवार्ड गोज टू। अब मद्रास में एक मिनट फोन। हेलो कौन? सुरेश साहब, सुरेश भाई साहब। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं? एक मिनट, कहाँ से बोल रहे हैं आप? कहाँ से बोल रहे हैं भाई साहब? ऊटी से। ऊटी से बोल। ऊटी में क्या कर रहे हो? ऊटी में क्या कर रहे हैं आप? अक्षय कुमार को प्रैक्टिस करवा रहे हैं जंपिंग की। अक्षय कुमार को जंपिंग की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। हाँ हाँ, क्यों? अच्छा पता है हमारे सोसाइटी के प्रोग्राम में अक्षय कुमार हमारी सोसाइटी के सबसे ऊंची बिल्डिंग में से जंप मारने वाला है। भाई साहब एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो जब ऊपर चढ़े ना टेरेस पे जंप मारने को, तो हमारे को टीवी एंटीना से वो भी जरा दुरुस्त कर दे। हाँ हाँ, ये रिक्वेस्ट है। हाँ हाँ, पैकेज डील में। थैंक यू। क्या एक बहुत बड़ा ब्लास्ट भी होने वाला है? अरे वेरी गुड भाई साहब, मैं आप। हेलो 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 हेलो, कहाँ बम ब्लास्ट करेंगे वो? अरे अपनी सोसाइटी में और कहाँ। और पता है पैसा क्या कह रहे थे? उन्होंने अमेरिका के प्रोग्राम में लास्ट ईयर जो ब्लास्ट किया था ना, उससे पूरा आईफिल टावर हिल गया था। अयो, आईफिल टावर पेरिस में है जी। मालूम नहीं, संत करो जी, कितना हैवी ब्लास्ट होएगा जी, कि अमेरिका में ब्लास्ट होता पेरिस तक हिल जाता जी। अरे मगर अभी हमको भी हिलना चाहिए। बंटी ये सब क्या हो रहा है? कहाँ जा रहे हो तुम लोग साइकिल रेस में? हम लोग फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट पर एक आइटम कर रहे हैं। अच्छा कौन सी? आमिर खान के सारे गाने। अरे पर बंटी बेटे, आमिर खान अब चाइल्ड आर्टिस्ट नहीं रहा। पापा जो जीता वो सिकंदर में, ये स्कूल के बच्चे था कि नहीं? बस हम इसी के आइटम पेश करेंगे। We love. Prakash. Prakash.
अरे वाह, थैंक यू वेरी मच। नई साड़ी है। साड़ी? रुक्मणी, इतनी महंगी साड़ी लेने की क्या जरूरत थी तुम्हें? अरे ये मैं प्रोग्राम के दिन पहनूंगी। रुक्मणी, मैं कहता हूँ वो साड़ी पहनो ना जो हमारी शादी वाले दिन तुमने पहनी थी। वो मेरे पास रही कहाँ है? क्या तुमने वो साड़ी बेच डाली? नहीं, तुम्हारी बहन ले गई। ओफो, ये ननन की कॉम भी बड़ी अजीब होती है। मैं तुम्हें गारंटी के साथ कहती हूँ। क्या? हमारी सोसाइटी की औरतें हैं ना, सब नई नई साड़ी खरीद के आगे आगे बढ़ेंगी, आपस में झगड़ा करेंगी एक्टर्स को बुके देने के लिए। लेकिन मैं पहले से कह रही हूँ, अमिताभ बच्चन को बुके मैं दूंगी। ओके मेरी जान, अमिताभ बच्चन को बुके तुम देना और माधुरी दीक्षित को रेड रोज मैं दूंगा। ओके बच्चे बच्चे। मैंने तुम्हारे लिए सूट भी बनवाया है। नहीं? हाँ, थ्री पीस। सच? यस। अरे मालिनी भाभी आप? सॉरी, हम तुमको देखा नहीं प्रकाश जी। अब हम समझा जमादार है झाड़ू लगा रहा। अरे आज आप सिर्फ मालिनी नहीं, पूरी के पूरी हेमा मालिनी लग रही है। अभी तो काफी देर है। हम तुमको अपना आइटम दिखाता। तक जम, तक जम, तक जम। भाभी, भाभी सुनिए तो। भाभी आइटम आपकी मैं स्टेज पे देख लूंगा ना। भाभी बहुत काम करना बाकी है, प्लीज। प्रकाश जी। गंगा। प्रकाश जी। अरे क्या रंगा, कहाँ चले गए थे तुम? सारा बंदोबस्त मुझे करना, यहाँ तक कि झाड़ू भी मुझे मारना पड़ रहा है। तो क्या जी, सब कुछ मिले जुल के करना पड़ता है ना। प्रकाश जी, हम सारा इंतजाम कर दिया जी। वो केबल टीवी, वो लोग सब तैयारी करके आता जी, सारा प्रोग्राम कवर करके पूरा सोसाइटी में दिखाएगा जी। अरे वाह, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू, हम बहुत काम किया। लेकिन एक प्रॉब्लम आया जी। क्या? वो हमारा स्पॉन्सर, वो चंदू पान वाला, वो हमको बुला के धमकी दिया जी। वो बोलता कि अगर शत्रुघ्न सिन्हा इधर आके उसका पान का प्रमोशन के बारे में स्पीच नहीं देंगे ना, तो वो अपना स्पॉन्सरशिप कैंसिल करेगा। अरे सब हो जाएगा रंगा, उसे कहो धीरज से काम ले। क्या बात करता प्रकाश जी, ये शत्रुघ्न सिन्हा की जगह धीरज कुमार को पब्लिक कैसे एक्सेप्ट करेगा जी? मैं वो धीरज कुमार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पेशेंस धीरज की बात कर रहा हूँ। अच्छा 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 अच्छा, आया समझ में। लेकिन ये शत्रुघ्न भैया तो उधर गया ना बिहार में। हाँ हाँ, मगर इलेक्शन खत्म हो गए, अब आ गया होगा। पक्का? कोई चिंता नहीं। ये पूछ रहा हूँ कि टिकटें तो सब है ना, नुकसान तो नहीं होगा? माय टेस्टिंग 1 2 3। ओह मालिनी, बहुत अच्छी लग रही हो तुम। आवाज की दुनिया के दोस्तों, आप सबको रुक्मिणी जायसवाल का नमस्कार। अरे वाह कमाल, सुपर भाभी, हम तो सोचा कि रेडियो सिलोन चालू हो गया। अरे बंटी, बंटी संभाल, केस क्या कर रहा है बंटी, क्या कर रहा है? ये ट्रॉफी फिल्म स्टार्स को देनी, संभाल। हमको दो, मालूम है हम सोसाइटी का कितना पैसा खर्च किया है इस पर? कितना? 5,000। अच्छा, प्रकाश जी। हाँ। एक बात बताओ जी। क्या? ये स्टार लोग टाइम पे आएगा ना? ओ रंगा, कैसी बात करते हो तुम सुरेश भाई को समझते क्या हो यार? पता है सारे फिल्म स्टार उसके इशारों पे नाचते हैं, और आज तक सुरेश भाई अपने वादे से फिरा नहीं है, तुमको मालूम है? और कहीं वो लोग तो नहीं? अरे फिल्म स्टार्स की रात में झाड़ू मेरे हाथ में, इसका क्या कहूं मैं? प्रकाश जी, हमको एक बात को बहुत हैरानी जी, ये स्टार लोग फिल्म इंडस्ट्री इतना पंक्चुअल कब से हो गए जी? मैं भी यही सोच के हैरान हूं, क्या करें। स्माइल स्माइल स्माइल। अरे आप लोग, ये प्रोग्राम नहीं हो सकता। अरे वाह, कैसे नहीं हो सकता, हम लोगों ने इतना जो इंतजाम किया है, ये जो इतना पैसा खर्च किया जी, वो इतना रिहर्सल किया है जी, इतनी मेहनत की है, कैसे नहीं होगा प्रोग्राम? अरे तुम लोग सब फिल्म वाले हो, हम नहीं। अरे 24 घंटे सोसाइटी में फिल्मों की बातें। अरे कमाल है, फिल्म देखना तो अपना नेशनल टाइम पास है। नहीं, हर चैनल पर फिल्मी गाने, फिल्मी सवाल जवाब और फिल्म बालक अंडरवुड, बस और कुछ नहीं। हम तो परेशान हो गए इस बात से। हमारी सोसाइटी बिल्कुल फिल्म सिटी बन गई है। अरे भाई, हमारी सोसाइटी के 25 वर्ष पूरे हुए हैं, तो इस अवसर पर कोई दूसरा कार्यक्रम होना चाहिए ना। जिसमें बच्चों के लिए कोई एजुकेशनल बातें हो। यस। एक मिनट, उस दिन मीटिंग में कैसे उछल उछल के कह रहे थे, हाँ फिल्म बेस्ड प्रोग्राम करेंगे, फिल्म बेस्ड प्रोग्राम। अब क्या हुआ? हाँ जवाब दो, अब क्या हो गया? लेकिन हमारी होम मिनिस्ट्री ने ये बिल रिजेक्ट कर दिया। और हमें घर में दंगे नहीं करवाने हैं। क्या बात करता जी, दंगा कैसे होएगा, अब तो सरकार बदल गया ना। आपकी सरकार बदल गई होगी, हमारी सरकार नहीं बदली है। हाँ। अरे जब हम घर में रह पाएंगे तभी तो सोसाइटी में रह पाएंगे ना। अरे
कैसी बातें करते हैं आप लोग, और अभी जो फिल्म स्टार आने वाले हैं उनको हम क्या वो दिखाएंगे? हाँ सच, प्रोग्राम कैंसिल मत कीजिए प्लीज। प्लीज हमारे सोसाइटी का नाम खराब हो जाएगा फिल्म इंडस्ट्री में। हमारा नाम खराब हो जाएगा भाई, प्लीज प्लीज मान लीजिए। फिल्म इंडस्ट्री दिखाइए, लीजिए पढ़िए। खोलो खोलो खोलो, जल्दी जल्दी प्रकाश जी जल्दी। जय भारत सोसाइटी के माननीय सदस्यों, आपको फिल्म इंडस्ट्रीज कंबाइन ऑफ इंडिया नोटिस द्वारा आगाह करती है कि आप अपनी हैसियत में रहें और फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास को अपने हाल पर छोड़ दें। इस इतिहास से खेलने का आप लोगों को हरगिज हक नहीं है, क्योंकि लाखों लोगों की मेहनत और पसीने से सींचे गए इस इतिहास को चंद इंसानों का अपने नजरिए से पेश करना बिल्कुल गलत होगा। इसलिए आपसे यह गुजारिश है कि आप अपने प्रोग्राम को अपनी सोसाइटी तक ही सीमित रखें और फिल्म इंडस्ट्री को बख्श दें, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अरे वो तो बुरा मान गए प्रकाश जी, लगता है ये फिल्म इंडस्ट्री वाले हमको बिल्कुल गलत समझे जी। हाँ रंगा, मेरे ख्याल से हमें उन्हें फौरन एक खत लिखना चाहिए। हाँ, 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 रंगा तुम सेक्रेटरी हो, तुम खत लिख दो प्लीज। ठीक है भाभी, हम अभी खत लिखेगा जी।